सिंगरौली महोत्सव पर कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह के सवाल उठाने पर बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता तो चाहते नहीं थे कि सिंगरौली जिला बने। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन भाजपा ने सिंगरौली को जिला बनाया और यहाँ पर कई विकास कार्य किए जिससे कांग्रेसियों को जलन होती है। सिंगरौली महोत्सव प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रशासन ने भी महोत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और बसपा जैसे सभी राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, लेकिन प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बायकॉट किया। कार्यक्रम से बायकॉट करने पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवीण सिंह चौहान ने दलील देते हुए कहा कि दाऊ साहब कुंवर अर्जुन सिंह ने सिंगरौली के विकास के लिए पुरजोर कोशिश की और सिंगरौली को नगर निगम बनाने का भी कार्य किया, लेकिन भाजपा उसी को अपना विकास बता रही है। कुंवर अर्जुन सिंह के प्रयासों से ये सिंगरौली में हमारे आया और जब एक सुंदर शहर का रूप सिंगरौली ले चुका 2002 के दशक में, तो पूरा प्रयास चल रहा था सिंगरौली को जिला बनाने के लिए। इसी बीच हमारी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। पका पकाया जो ये कह लीजिए कि खीर इन लोगों ने परोसाया, उसको खाया। कार्यक्रम के बायकॉट करने पर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि सिंगरौली जिला बने। सिंगरौली को जब भाजपा सरकार ने जिला बनाया उस वक्त भी कांग्रेस के नेताओं ने हाईकोर्ट में सिंगरौली जिला बनने से रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जबकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर सिंगरौली को विकास की गति देते हुए माइनिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और हवाई पट्टी जैसे तमाम विकास कार्य किए जिससे कांग्रेस को जलन हो रही है। कि सारे कांग्रेस के नेता ने कोठी में बैठ के प्रस्ताव बनाए और भोपाल ले जाकर प्रस्तुत किए कि जिला नहीं बनेगा। रेणु साधी स्वामी राजा बाबा की कोठी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।